हाँ बेटी, हमको पैसे चाहिए 20,000। ठीक है, जुगाड़ करेंगे जैसा वो देखेंगे। लेकिन ठीक है पापा, लेकिन कल लास्ट डे थे पापा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटी, जाओ। बाय बाय। बेटी को पैसा भी देना है, कैसे देंगे? मैनेज भी नहीं हो पा रहा है, जैसे कुछ मैनेज करना होगा। जो काम कर रहे उसमें भी कुछ नहीं पोसाई हो रहा है। बेटी को पैसा पुराना है, कैसे पुराएंगे? कुछ अलग काम देखेंगे हम, उसमें हो सके तो होगा तो ठीक है, ना तो फिर और कुछ देखेंगे। बेटी का सब खर्चा पुराना है, कैसे होगा? बड़ा दिक्कत, उसका जरूरत पूरा करना ही पड़ेगा हमको। नहीं यार, हमको कहीं जाना है। कहाँ जाना है? कुछ काम था। क्या काम? क्या काम है वैसे? बताओ ना, बताओ। अरे यार, कुछ है यार। नहीं बताएंगे ना बाद में, अभी नहीं यार। हाय। अच्छा ठीक हो, हम बाद में आते हैं, थोड़ा कुछ काम। बाय, चले। वो क्या है ना, मेरे पापा घर ही खरीद रहा है, मतलब बिजनेस करने के लिए। हम लोग एक सोच रहे हैं कि महिंद्रा थार उसमें घूमने के लिए। हाँ। जो पापा खरीद रहे ना, हम लोग के फ्यूचर के लिए बिजनेस के लिए हो जाएगा। अच्छा। हाँ यार, अपनी लाइफ तो सेट ही सेट है। सच में ना? हाँ। तो बेटी, तुम यहाँ पर क्या करते हो? आपको मेरे पापा बेटी? नहीं, अब मेरे पापा नहीं, कैसे बोल सकते हैं? कहीं से भी उठा के चले आएंगे, हम अपने पापा मानेंगे? अरे यार, ये कौन है यार, पैसे दे दिया। पता नहीं कौन है, ये मेरे पापा नहीं है। तुम तो बोल रही थी बिजनेस के लिए, मतलब इतनी गाड़ी खरीदेंगे बोल के। ठीक है, तुम जो करना है। एक मिनट अंकल, अंकल सुनिए। मेरे सारे फ्रेंड शॉपर्स हो गए, क्या करूं? अरे यार, वो तुम्हारा पापा है, तुम बकवास में से क्यों करते रहती बता? बिजनेस है, गाड़ी है, ये है, वो है। अपने पापा को तुम अगर स्वीकार नहीं कर पाई तो हमको क्या स्वीकार करेगा? दोबारा अपना शक्ल मत दिखा मेरे को, समझी ना? हट। पापा मुझे माफ कर दीजिए। पापा जानती हो कि हम आपको बहुत इंसल्ट किए हैं। माफ कर दे रहे हैं? अपने पापा को ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं बोलते। माफ कर दीजिए पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, दोबारा ऐसा मत बोलना किसी के सामने। तुम्हारे पापा है ना हम? हाँ पापा। चलो बेटी, घर चलो, चलो।